हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप कल कल यानी कि 3 मई 2023 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। तो गाइस, अभी मैं आपको तीन चार जो स्टॉक बताऊंगा वो चारों बाय एंड डिप वाले स्टॉक है, क्योंकि मार्केट में आपको पता है आपने निफ्टी का जो व्यू दिया था संडे को, जो स्विंग ट्रेड दिया था उसमें निफ्टी का व्यू कौन सा था? रिजेक्शन एरिया था 18,140 से 18,280। तो निफ्टी अभी वही रेंज में ट्रेड कर रही है, तो यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से अपने क्या चारों ट्रेड बाय एंड डिप वाले हैं, तो आपको कल या परसों निफ्टी में गिरावट 200-300 पॉइंट की दिख सकती है। तो वहां पे अपने क्या करेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी वाले तीन चार स्टॉक लेंगे। ये स्टॉक अप ट्रेंड वाले स्टॉक है, लेकिन कोई भी स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाता, वो बाय एंड डिप होता है, मतलब ऊपर जाता है फिर नीचे कंसोलिडेट करके नीचे आता है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग होके फिर से न्यू हाई मार के ऊपर जाता है। तो उसके हिसाब से चारों स्टॉक बहुत अच्छे मोमेंटम स्टॉक है, लेकिन गिरावट में बाय करेंगे तो और अच्छा है, अपना स्टॉप लॉस अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड भी बन सकता है। तो उसमें पहले स्टॉक का नाम रहेगा दीप इंडस्ट्री। दीप इंडस्ट्री को आपको क्या करना है, बाय करने का ट्राई करना है। 2 घंटे के कैंडल के ऊपर एनालिसिस करेंगे, और स्टॉक का नाम है दीप इंडस्ट्री। बाय करने का रीजन कौन सा है, ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट बाय ऑन डिप विथ एडीएक्स। तो बाय डिप विथ एडीएक्स का आपको पता है कि एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होती है, विलियम्स आर की वैल्यू -80 होती है, तो वो स्टॉक का क्या होता है, लास्ट स्विंग होता है। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था, ये जो सेटअप है उसके साथ कोई और सेटअप मिलता है तो वो एक्यूरेसी अपनी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखोगे तो कोई भी सेटअप नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ उसकी एक्यूरेसी 50% रह सकती है। लेकिन अपने यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पे एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, दो सपोर्ट आ गए, तो अभी जब भी तीसरा सपोर्ट मिलेगा वो कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और स्टॉक यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर जा सकता है। तो आपको क्या करना है, अभी स्टॉक को बाय नहीं करना, ये जो लास्ट स्विंग लिया था वो डिमांड जोन रह सकता है। तो स्टॉक में अगर कल या परसों गिरावट आती है और रेंज में स्टॉक आता है तो वहां पे आपको बाय करना है, वहां पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, और तब आपको देखना है कि एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर सेम टू सेम है और इसकी वैल्यू तो तब भी -80 होगी, वहां से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो आपको ये स्टॉक को गिरावट पे बाय करना है, और ये आपका यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो अभी सीएमपी 170 है, तो आपको 166 पे बाय करना है, 166 पे स्टॉक को गिरने देना है, 162 का स्टॉप लॉस लगा के फिर से स्टॉक में ऊपर की साइड 175 से 180 का लेवल 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन ये 1 से 3 दिन आपको कब से काउंट करना है, जब से कॉल एक्टिव होता है। कल समझो स्टॉक 168 का लो मारता है और परसों स्टॉक नीचे गिर के 165 का लो मारता है, तो परसों का कॉल एक्टिव होगा, तो परसों से आपको 3 दिन काउंट करने है। तो अपना पहला स्टॉक है जो दीप इंडस्ट्री को आपको क्या करना है, गिरावट पे बाय करना है। अभी सीएमपी पे बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है जेबीएम है। ये भी बाय एंड डिप वाला स्टॉक है, यहाँ से गिर सकता है और जब भी नीचे गिरेगा तो वो सबसे बढ़िया लेवल होगा, वहां पे आप बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी बाय करोगे तो थोड़ा गिरावट बढ़ सकती है स्टॉक में, इसलिए थोड़ा नीचे सस्ते में बाय मिलेगा तभी बाय करेंगे। स्टॉक का नाम है जेबीएम है, 2 घंटे के कैंडल के ऊपर रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट। तो यहाँ पे देखोगे तो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आपको पता है यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फाइनली ब्रेकआउट देखे ऊपर गया, ब्रेकआउट कैंडल है, तो ब्रेकआउट कैंडल के बाद क्या हो जाता है, जो सप्लाई जोन है वो डिमांड जोन में काम करता है, और आपको बोला है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन डिमांड जोन के अंदर से क्रॉस होती है तो वो क्या हो जाता है, रिवर्सल पॉइंट हो जाता है। तो आप इसको रिवर्सल पॉइंट भी बोल सकते हो, और नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो एक बार सपोर्ट है यहाँ पे, दूसरी बार सपोर्ट है, अगर तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट मिलता है आपको कल या परसों स्टॉक में गिरावट आती है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ से स्टॉक फिर से ऊपर की साइड, ये जो हाई मारा था वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो अभी सीएमपी 780 के आसपास है, तो अभी आपको बाय नहीं करना, स्टॉक को हल्का सा गिरने देना है, 770 पे बाय करना है, 760 सॉरी 760 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट 800 और 820 के 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ पे देखोगे तो 10 रुपीज का रिस्क के सामने आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, 40 से 50 रुपीज का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया स्टॉक है, तो गिरावट पे बाय करना है। तो अपना दूसरा स्टॉक हो गया जो आप कल बाय करने का ट्राई कर सकते हो अगर वो लेवल के आसपास मिलता है तो। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ 2 घंटे की कैंडल के ऊपर। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, बाय करने का सेम रीजन है। आप देखोगे तो कार्बन कॉपी जैसा पैटर्न दिख रहा होगा, अपने प्रीवियस में जो दो स्टॉक देखे दीप इंडस्ट्री और जेपीएम, सेम टू सेम पैटर्न है। तो इसको भी आपको गिरावट पे बाय करना है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट आपको समझा दिया, स्टॉक ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया, यानी कि ये स्टॉक का पूरा सप्लाई जोन हो गया, ब्रेकआउट कैंडल के बाद पूरा
डीमर जोन में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर स्टॉक में यहाँ पे गिरावट आती है तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा और डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिलेगा, स्टॉक फिर से न्यू हाई मार सकता है, ऊपर की साइड जा सकता है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, रिवर्सल पॉइंट भी बोल सकते हो। तो स्टॉक का अभी CMP 255 है, तो अभी बाय नहीं करना, 251 स्टॉक थोड़ा सा गिरावट पे बाय करना है, 246 का स्टॉप लॉस लगा के 260 से 265 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। तो जब से कॉल एक्टिव होगा तब से आपको 1 से 3 दिन होल्ड करके रखना है, आराम से ये टारगेट अचीव हो सकता है। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है प्रिकॉल लिमिटेड इंडिया, प्रिकॉल लिमिटेड सॉरी। तो प्रिकॉल लिमिटेड को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। 2 घंटे की कैंडल के ऊपर स्टॉक का नाम है प्रिकॉल लिमिटेड। तो आपने देखा होगा चारों स्टॉक 2 घंटे के ऊपर पैटर्न देखोगे तो सेम कार्बन कॉपी लगेगी। ये इसमें भी सेम रीजन है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रिजेक्शन मारा फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया। तो इसको ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे तो ये पूरा डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो एक बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे देखोगे तो दूसरी बार इसको काउंट कर सकते हो। तो अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, स्टॉक फिर से ऐसे बाउंस बैक कर सकता है। तो आपको ये गिरावट के आसपास कहीं ना कहीं बाय करना है और ये आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। तो अभी CMP कितना है, 244 है, तो आपको स्टॉक को गिरने देना है, 240 पे बाय करना है, 235 का स्टॉप लॉस लगा के 255 से 260 के लेवल फिर से स्टॉक दिखा सकता है, 1 से 3 दिन लग सकते हैं। तो ये अपना चौथा और आखिरी स्टॉक था जो आपको गिरावट पे बाय करना है। और चारों स्टॉक गाइज आपको देखो गाइज मार्केट में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सारे कॉल एक्टिव मिलेंगे, आपको वेट एंड वॉच करना है, ईगल की तरह आपको वेट करना है। सही लेवल पे आप बाय करोगे तो वहां से आपको स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर कल समझो निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट आती है तो ये स्टॉक भी नीचे गिरेंगे, लेकिन सही लेवल पे अगर वो आ गए स्टॉक, अगर उसके बाद नेक्स्ट डे भी निफ्टी 100-200 गिरेगी तो ये स्टॉक नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो डिमांड जोन में आ गए, तो वहां से उसको प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, जितने वीकेंड थे वो चले गए, तो वहां से स्टॉक में ऊपर की साइड फिर से नई रैली आ सकती है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि सही लेवल पे आप बाय करोगे तो वहां पे डिमांड भी मिलेगी और नए लोग भी बाय करने वहां पे आएंगे, तो वहां से आपका स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे बाय करोगे और आपका स्टॉप लॉस इतना लगाओगे तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो पाएगा, इसीलिए सही लेवल पे बाय करना है और अपने स्टॉप लॉस लिमिटेड लगाना है। तो उससे क्या है कि अगर 3-4 में भी एक भी आपका सही चला गया तो भी आप मार्केट से पैसे कमा सकते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सही लेवल पे स्टॉक को बाय करना है वो आपको जरूरी है, आपको फोमो का शिकार नहीं बनना कि अभी मैं मिस कर जाऊंगा, इतना तो जाना ही है। जैसे कि ये स्टॉक है, मैंने बोला 255 से 260 जाना है, अभी आप सोचो कि 244 है तो अभी ले सकता हो, अगर मिस हो गया तो, अगर मिस हो गया तो बहुत कोई बात नहीं, अपने दूसरे भी स्टॉक है, आपको ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही स्टॉक में ट्रेड करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है और वो लेवल पे आएगा तब भी बाय करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखोगे तो वहां पे भी आपको आंसर मिल जाएगा गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।